दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कम जीबी का स्टोरेज दिया गया है जिसकी वजह से बार बार आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है और आप एप्लीकेशन फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट करके अपने फ़ोन का स्टोरेज खाली करते हो, तो ये सब दोस्तों आपको नहीं करना है। बस चार ट्रिक को अपने फ़ोन के अंदर इनेबल कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन का स्टोरेज ज़िंदगी में दोबारा कभी फुल नहीं होगा, कभी नहीं भरेगा। सिर्फ चार ट्रिक को अपने फ़ोन के अंदर लगाना है, चाहे आपके फ़ोन के अंदर कितना भी जीबी स्टोरेज क्यों ना दिया हो, अगर आप ये चार ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्टोरेज कभी भी फुल नहीं होगा। आप कितना भी मूवी, कितना भी गेम, कितना भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आपके फ़ोन का पूरा स्टोरेज भी खाली हो जाएगा, आपका एक भी एप्लीकेशन, एक भी फ़ोटो वीडियो डिलीट नहीं होगा। तो ये चार ट्रिक दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है। तो उसके लिए बस आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको चार ट्रिक के बारे में बता देता हूं जिससे आपके फ़ोन का जो स्टोरेज है वो पूरा खाली हो जाएगा और दोबारा कभी भी फुल नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है, जो चौथे नंबर की ट्रिक होने वाली है उससे दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो स्टोरेज है उसे बढ़ा सकते हैं, वो भी एक दो जीबी नहीं बल्कि 20 जीबी तक आप अपने फ़ोन का स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये चार ट्रिक सभी देख के आपको जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन करना है पहली ट्रिक के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सभी ट्रिक के बारे में बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपका एक एक लाइक दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको पहला ट्रिक बता देता हूं। तो सेटिंग ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको सर्च करना है स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर आप जैसा कि देख लीजिए, स्टोरेज आपको लिखकर सर्च करना है और स्टोरेज सेटिंग पहले नंबर पर आएगा, तो इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर स्टोरेज दिया है तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने आपका स्टोरेज सेटिंग खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लीनर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए आपको लगभग कितना जीबी, 2.5 यानी कि लगभग लगा लो 3 जीबी के आसपास यहाँ पर बिल्कुल फ्री आपको स्टोरेज दिया जा रहा है। इसे बस आपको क्या करना है, क्लीन करना है। ये जो फालतू के कचरा है आपके फ़ोन के अंदर उससे आपको बस डिलीट कर देना है और आपके फ़ोन में 3 जीबी स्टोरेज तुरंत फ्री हो जाएगा। तो ये तो पहला सिंपल सा ट्रिक है। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लीन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए हो गया काम। देखा, 1 सेकेंड का काम यहाँ पर था। तो ये पहला ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है, पूरा का पूरा आपको यहां से बैक आ जाना है पहला ट्रिक अप्लाई करने के बाद। अब दूसरे नंबर का ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर नीचे आना है और एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, तो इसे आपको ओपन करना है। यहां पर दोस्तों आपको एकदम नीचे की तरफ चले आना है। यहां पर नीचे आएंगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, ये जो सेटिंग है ये आपके फ़ोन में बंद मिलेगा, मैंने पहले से ही ऑन कर रखा था। तो ये सेटिंग दोस्तों करता क्या है, फोर्स अलाउ एप्स टू राइट ऑन एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि जो भी गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वो आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड नहीं होगा, बल्कि दोस्तों जो आप बाहर से अपने फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड लगाए होंगे उसमें डाउनलोड होगा। जो भी गेम आप डाउनलोड करेंगे वो सब दोस्तों उसी मेमोरी कार्ड के अंदर डाउनलोड होगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपके फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो कभी भी फुल ही नहीं होगा। बस आपको यहाँ पर करना क्या है, इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों अब आपके फ़ोन में जितने भी गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन, गेम जो भी डाउनलोड करेंगे वो सब आपके फ़ोन के मेमोरी कार्ड के अंदर डाउनलोड होगा, ना कि दोस्तों इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज हमेशा खाली रहेगा। तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग है जिसे आपको यहाँ पर आके ऑन कर देना है, ठीक है। मैंने इसे पहले से ही ऑन कर रखा है क्योंकि मैं इस सेटिंग का इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको भी आज से इस सेटिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है अगर आपके फ़ोन के अंदर कम जीबी का स्टोरेज दिया है। तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग यहाँ से आपको कर लेना है, उसके बाद पूरा आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको तीसरे नंबर का ट्रिक बता देता हूँ। ये जो तीसरे नंबर का ट्रिक है ना, ये आपके फ़ोन का स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा खाली कर देगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप अपने फ़ोन में ज़रूर बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, फिर काम होने के बाद उन्हें डिलीट भी कर देते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन का काम हो गया है तो हम यहाँ पर इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं आपके सामने, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। अनइंस्टॉल होने के बाद हमें यही लगता है कि अब ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन से डिलीट हो चुका है, अब हमारे फ़ोन का स्टोरेज खाली हो गया है।
लेकिन आप गलत हैं दोस्तों, ये आपके फोन में यहाँ पर जो शो हो रहा था वही डिलीट हुआ है, लेकिन वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन अभी भी आपके फोन के अंदर मौजूद है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे आपको डिलीट करना है। तो उसे डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर दोस्तों मैनेज एप्स एंड यहाँ पर दिया हुआ है ना डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने सभी एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और इसे दोस्तों आपको नॉट इंस्टॉल्ड सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों वो सभी एप्लीकेशन आ जाएंगे जिस एप्लीकेशन को आपने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड किया था, उसके बाद डिलीट कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है, लेकिन वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन मैंने आपके सामने ही अनइंस्टॉल किया है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको करना क्या है, इन सभी एप्लीकेशन को वन बाई वन करके इस प्रकार से सेलेक्ट करना होगा। जितने एप्लीकेशन आज तक आपने डिलीट किया होगा वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से एक एक करके सभी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर डिलीट का बटन देखने को मिलेगा और यहाँ पर साइज़ भी आप देख सकते हैं कितना आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली होगा। तो यहाँ पर अभी तो मैंने कुछ ही सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो बहुत सारे हैं, सबको सेलेक्ट करूँगा तो कम से कम 20 से 25 GB तक का हमारे फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सबको सेलेक्ट करना है, डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसे यहाँ से मतलब कि डिलीट कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उतना दोस्तों आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। तो ये तीसरे नंबर का ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अभी तो ये बहुत सारे हैं तो इसे मैं फ्री होकर आराम से डिलीट करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, समझ गए। तो ये तीसरे नंबर का ट्रिक आपको अपने फोन के अंदर अप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ नंबर की ट्रिक की, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि कैसे हम अपने फोन का स्टोरेज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है डिगो, जहां पर दोस्तों आपको मिलेगा 20 GB का फ्री स्टोरेज, आप यहां पर देख सकते हैं। ये हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसे दोस्तों आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने गूगल अकाउंट से मीन्स साइन इन कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रोफाइल पे आप देखेंगे तो आपको 20 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप अपना फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक सब कुछ यहाँ पर सेव कर सकते हैं, यानी कि जो 20 GB का आपने अपने फ़ोन के अंदर वीडियो सेव किया है वो सभी 20 GB का वीडियो आप यहाँ पर सेव कर दीजिए और अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। तो इससे होगा क्या दोस्तों, वो सभी वीडियो यहाँ पर आपके लिए परमानेंटली सेव हो जाएगा। कल को फ़ोन भी चोरी हो जाएगा ना, तब भी दोस्तों जो ईमेल आईडी से आप यहाँ पर लॉगिन किए रहेंगे उसी ईमेल आईडी से दूसरे फ़ोन में आप लॉगिन करेंगे ना, तो सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी कमाल का है, इससे आपके फ़ोन का स्टोरेज भी खाली हो जाएगा और 20 GB तक का आपको फ्री स्टोरेज भी मिल जाएगा, समझ रहे हो, स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। तो इसे यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार ट्रिक है जिससे आप अपने फ़ोन का लगभग पूरा का पूरा स्टोरेज खाली कर सकते हैं और फिर दोबारा कभी आपके फ़ोन का स्टोरेज भी फुल नहीं होगा। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।